इजरायली सेना ने रविवार को उत्तरी गाजा के एक शरणार्थी शिविर पर एक और भीषण हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गाजा शहर के अल अहली अस्पताल के निदेशक डॉक्टर फजल नईम ने बताया कि मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इसराइल ने यह हमला जबालिया के शहरी शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर किया। हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने कहा कि रविवार को भोर में यह हमला उत्तरी गाजा पट्टी के जबलिया में एक घर पर हुआ। इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज में एक दर्जन से ज्यादा शव कंबल में लिपटे हुए और एक अस्पताल में जमीन पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। निवासियों ने कहा कि जिस इमारत पर हमला हुआ उसमें कम से कम 30 लोग रहते थे। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी VAFA और हमास मीडिया ने मारे गए लोगों की संख्या 32 बताई है। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संख्या की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है।